जानकारी में नहीं है, और मैं निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने अपना काम मजबूती से किया और मजबूती से लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र में चुनाव हारना जीतना ये तो एक विषय है, पर निश्चित तौर से कांग्रेस ने मजबूती के साथ काम किया। आप तेलंगाना देखिए, जो कभी हम नहीं जीतते थे वहाँ हम जीते हैं। तो ये किसी के कारण कोई चीज़ें मैं समझता हूँ कि जनता का जो मैंडेट था जनता ने दिया, हमने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलकर राजस्थान में कहा कि 450 में सिलेंडर दे देंगे, केंद्र में आप सरकार चला रहे हो 500 में, अब छत्तीसगढ़ में दे देंगे, पूरे देश को 1000 में सिलेंडर देंगे। सब झूठी बातें करके उन्होंने वोट लिया है। ये सब चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी और जनता पूरी तरीके से इसको निश्चित तौर से आने वाले समय में समझेगी, क्योंकि जो आप जो पूरे देश में आप निर्धारित करते हैं वो निर्धारण आप दो स्टेट के लिए अलग से देंगे, ये सब जनता को केवल एक ठगने का और जनता को केवल एक मैं समझता हूँ कि आपने को बहुत ज़्यादा होशियार समझना, इससे सारे लोग समझ जाएंगे। और अभी आप देखिए राजस्थान में देख लीजिए, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है, क्या है ये, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है सारी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों से जनता उब चुकी है। अखिलेश जी बनारस आए थे और उनसे जब कुछ लोगों ने सवाल पूछा गठबंधन को लेके और पार्टी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद तापमान और अहंकार लोगों का तो खत्म हुआ, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बोले कि सबका तो तापमान और अहंकार खत्म हुआ। नहीं, अब तो निश्चित तौर से उनकी जो भी सोच रही होगी, जिस तरीके से उन्होंने बोला होगा, मैंने बात सुनी नहीं। और निश्चित अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर और सब लोग बहुत ही शालीनता के साथ और सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, हमारे यहाँ कहीं ना कोई अहंकार है, ना किसी के पास कोई भी कोई भी किसी के प्रति कोई भाव नहीं रहता हमारे यहाँ। सर, आज 6 दिसंबर है, कुछ लोग काला दिवस मनाते हैं, कुछ लोग सौंफ दिवस मनाते हैं, क्या निश्चित तौर से 6 दिसंबर आज हमारे अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। निश्चित तौर से ऐसे जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, देश के लिए कार्य किया, उनको मैं नमन करता हूँ। कांग्रेस क्या यूपी की 80 सीटों पे अकेले अभी भी तैयारी आपकी जारी रहेगी कि अभी? नहीं, निश्चित हमारी तैयारी है लगातार। मैंने तो कल अनाउंस किया कि अब पूरे शहर में हम नगर नगर, डगर डगर, पाँव गाँव गाँव, पाँव पाँव, और एक हमने यात्रा प्लान किया है, उस अनाउंस भी कर दिया है कल कि वो यात्रा सहारनपुर से लेके सीतापुर तक हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सहारनपुर में माँ शाकुंभरी का दर्शन कर प्रारंभ करेंगे, वहाँ से किसानों के बीच में, वहाँ के मजदूरों के बीच में, वहाँ के कारीगर जो हैं मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर, जितने भी किसान हैं, गन्ना किसान जो परेशान हैं, सबके बीच में संवाद करेंगे और हम पूरी यात्रा लेकर चलेंगे। और मुझे लगता है कि 25 दिन 26 दिन में यात्रा पूरी होगी। जो भारत जोड़ो यात्रा को प्यार मिला, वो क्या भारत जोड़ो यात्रा फिर से देखने को मिलेगी? निश्चित तौर से ये यात्रा लगातार चालू रहेगी और आगे भी ये चीज़ें मजबूती के साथ हम काम करते रहेंगे और हम मजबूती के साथ आम जनता के साथ जुड़े रहेंगे। कल अश्विनी चौबे जी बनारस आए थे, उन्होंने राहुल जी को युवराज अब हो गए हैं, यमराज ऐसा कहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो शायद केंद्रीय मंत्री हैं ना, मंत्री हैं, और उनको अपने मानसिक स्तर को जरूर चेक कराना चाहिए, एम्स में जाकर इलाज कराना चाहिए कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत सरकार का मंत्री इस तरह की बात अगर बोलता है तो उनका जरूर मानसिक संतुलन जरूर कुछ गड़बड़ हो गया होगा, उसको जरूर चेक कराना चाहिए उनको। अब वो कहीं कोई अभी आगे कुछ लोग उसमें व्यस्त हैं, आगे लोग खाली होकर बैठेंगे और उस पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे अपना काम कर रहा है। नीतीश जी बुलवा रहे हैं कि उनको पीएम बनाया जाए, पीएम फेस का जो एक लड़ाई है उस वजह से गठबंधन में बातें नहीं बन पा। तो मैंने कहा ना कि उनका मानसिक संतुलन पहले वो चेक करावें, वो जाके एम्स में या वेदांता में जाकर अपने मानसिक स्तर को चेक कर लें, उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके बारे में जवाब दिया जाएगा। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र स्टेट में ही जीत सकती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उनके लिए समर्थन रहेगा या क्या रहेगा ऐसा लोकसभा? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने इस बात को सुना नहीं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।